जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तीसरा नवरात्रा और आज है माँ चंद्रघंटा का दिन। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल की युवा पीढ़ी को हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत कम पता है। बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसी हैं जो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि बच्चों को भी ऐसी धार्मिक वीडियोज़ ज़रूर दिखाएँ और हमारी संस्कृति से अवगत कराएँ। तो नवरात्र के तीसरे दिन पूजा होती है माँ चंद्रघंटा देवी की। माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप अमृतमयी, कल्याणकारी और शांतिदायक है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्धचंद्र विराजमान है, इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा देवी का नाम दिया गया है। माँ के 10 हाथ हैं और 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र सुशोभित हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रिय वाहन है सिंह और वे हमेशा युद्ध की मुद्रा में तत्पर रहती हैं। माँ को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन के साथ साथ घर में भी शांति आती है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है, तो इस दिन पूजा करते वक्त लाल रंग जरूर पहने। माँ को लाल टीका जरूर लगाएं और लाल चुनरी जरूर ओढ़ाएं। माँ को लाल पुष्प और लाल फल भी अर्पित करें, जैसे कि अनार, सेब। लाल गुड़ भी माँ का बहुत प्रिय है, वो भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा माँ को दूध और दूध से बने पदार्थ, मीठे पदार्थ बहुत पसंद हैं, जैसे कि कोई भी खीर, चावल की खीर, मखाने की खीर इत्यादि आप बना सकते हैं और उसका भोग भी लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना और पूजा से आध्यात्मिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटी बजाने का विशेष महत्व है। पूजा करते हुए घंटी अवश्य बजाएं, बहुत ही शुभ मानी जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा जो भी सच्चे मन से करता है उसे आत्मिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यूं तो माँ के मंदिर कई राज्यों में स्थित हैं, पर इलाहाबाद के एक व्यस्त क्षेत्र चौक में स्थित है क्षेमा माई का प्राचीनतम मंदिर, जिसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पे माता दुर्गा चंद्रघंटा माँ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे 9 की 9 देवियों की मूर्त हैं। 9 की 9 देवियों के स्वरूप विद्यमान हैं, जिनकी विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं होती। नवरात्रों के दिनों में 9 की 9 देवियों के वस्त्र, आभूषण, पुष्प सब बदली किए जाते हैं और बहुत ही उत्तम श्रृंगार किया जाता है और सामूहिक आरती भी की जाती है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी आता है उसकी झोली भर जाती है, उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। 9 की 9 देवियों का आशीर्वाद उसे एक ही पल में प्राप्त हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।